बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी की अध्यक्षता अब खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि सम्राट चौधरी की अध्यक्षता की जो है पद वो जो समाप्त हुआ है, उसके बाद वो अब डिप्टी पद भी छोड़ने वाले हैं। तो बिहार में उनकी जो गरिमा है वो खत्म हो रही है। नीतीश कुमार के ऊपर जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते थे, नीतीश कुमार जो है अपना प्रतिशोध लेना चालू कर चुके हैं। आपको हम बता दें कि सम्राट चौधरी जिस प्रकार से कसम खाए थे कि अपनी पगड़ी हम नीतीश कुमार को बर्बाद करने के बाद ही खोलेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि सम्राट चौधरी को पिछले दिनों अपनी पगड़ी भी खोलनी पड़ी और अपना सिर भी मनवाना पड़ा है। आपको हम बता दें, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य चुटकी लेते हुए सम्राट चौधरी को बता रही है कि आपका जो अध्यक्षता का पद था वो तो चला ही गया है, अब डिप्टी सीएम भी आप बिहार में नहीं रहेंगे, क्योंकि आर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी की अध्यक्षता अब खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि सम्राट चौधरी की अध्यक्षता की जो है पद वो जो समाप्त हुआ है, उसके बाद वो अब डिप्टी पद भी छोड़ने वाले हैं। तो बिहार में उनकी जो गरिमा है वो खत्म हो रही है। नीतीश कुमार के ऊपर जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते थे, उसको लेकर नीतीश कुमार जो है अपना प्रतिशोध लेना चालू कर चुके हैं। आपको हम बता दें कि सम्राट चौधरी जिस प्रकार से कसम खाए थे कि अपनी पगड़ी हम नीतीश कुमार को बर्बाद करने के बाद ही खोलेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि सम्राट चौधरी को पिछले दिनों अपनी पगड़ी भी खोलनी पड़ी और अपना सिर भी मनवाना पड़ा है। आपको हम बता दें, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य चुटकी लेते हुए सम्राट चौधरी को बता रही है कि आपका जो अध्यक्षता का पद था वो तो चला ही गया है, अब डिप्टी सीएम भी आप बिहार में नहीं रहेंगे, क्योंकि दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook